हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है रिकमेंड का एक नया वीडियो पे। दोस्तों बहुत दिन से हम लोग जिस गेम का वेट कर रहे थे, फाइनली वो गेम अब इंडिया पे लॉन्च हो चुका है। हालांकि अक्टूबर के एंड में इस गेम को लॉन्च होने का बात हो रहा था। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे COD, फ्री फायर, पबजी आप अगर खेलते हो तो इसका एक इंडियन रिप्लेसमेंट के बारे में। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं रोगहेस्ट के बारे में। रोगहेस्ट एक ऐसा गेम है जो पबजी, फ्री फायर या सीओडी वगैरह जो लोग खेलते हो उसको काफी अच्छे से रिप्लेस कर सकता है। और उसके साथ साथ ये जो गेम है ये एक मेड इन इंडिया गेम है, बहुत दिन से इसके ऊपर काम चल रहा था। हालांकि आप लोग अगर इसका मजा उठाना चाहते हो तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, बट अभी इसका बीटा वर्जन पे अर्ली एक्सेस चल रहा है। तो आप लोग इसको यूज करो, ऑब्वियसली आपका जो मेन काम होगा वो होगा इसका फीडबैक देना। आप इसको यूज करने के बाद इसको रेटिंग देना और उसके बाद इसका फीडबैक जरूर से जरूर देना, क्योंकि इस जो ये जो गेम है ये एक इंडियन गेम है और इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है इंप्रूवमेंट का जरूरत है। क्योंकि आप लोग जैसे जैसे फीडबैक देते रहोगे डेवलपर उसके हिसाब से काम करते रहोगे और ये जो गेम है ये गेम अल्टीमेट लेवल तक पहुंच पाएगा। तो बेसिकली आज के इस वीडियो पे हम इसी गेम का रिव्यू करेंगे, इसी गेम का गेम प्ले देखेंगे। बेसिकली मैंने थोड़ा बहुत छोटा मोटा इसको खेला है वही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और उसके साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा कि जो रोग है गेम है इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या देखने मिलता है, सीजन पास वगैरह है, कितना सारे गेम मोड वगैरह है। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं सीधा मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां पे देखते हैं कि कैसा है ये गेम। सो हे गाइस, मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो देख लेते हैं ये गेम कौन सा है। तो ये गेम आप प्ले स्टोर पर अगर सर्च करोगे MPL रोगहेस्ट, सिर्फ आप रोगहेस्ट लिख सकते हो, आपको ये गेम मिल जाएगा। इंडिया फर्स्ट शूटर गेम और ये अर्ली एक्सेस पे बीटा वर्जन पे। तो आप लोगों को अभी बस इसको यूज़ करना है, ये अभी डेवलपमेंट पे है और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो फीडबैक है वो देना है। तो चलो अब सीधा चलते हैं गेम के अंदर, गेम प्ले भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये जो गेम है इसका जो गेमिंग है, जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इवन दोस्तों आप यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह का जो सेटिंग्स है उसको भी चेंज कर सकते हो और सारे चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक एक करके कि गेम के अंदर क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या जो फीचर्स है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप COD या अगर आप फ्री फायर वगैरह खेलते हो तो मेरे हिसाब से ये आप लोगों के लिए एक बेस्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है। जहाँ पर जब आप इस गेम को ओपन करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का लेआउट आएगा, जहाँ पर लोड आउट्स, उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पेशलिस्ट आर्मरी, पैकेजेस, स्टोर, सारे चीज़ें। नीचे आप लोगों को रोग पास देखने को मिलेगा। इस साइड पे दोस्तों अलायंस ऊपर पे लिखा है कमिंग सून। तो धीरे धीरे जब ये अपडेट होते रहेगा आप लोगों को इसका जो फीचर्स है वो एक एक करके ओपन होते दिखता रहेगा। उसके साथ दोस्तों ऊपर आपको नाम वगैरह आप चेंज कर सकते हो, कौन से कितने अचीवमेंट्स है, यहाँ पे आपके पास कितना पैसा है, कितना डायमंड्स वगैरह है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पे खेल रहे हो तो कितना लोग ऑनलाइन के साथ आपके साथ खेल रहे हैं, अगर आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करके आपके जो दोस्त वगैरह है उसको लेके आ सकते हो, जहाँ पे आपके लॉबी पे पूरा दोस्त रहेगा। तो बेसिकली दोस्तों ये अभी बीटा वर्जन पे है और मैं एज अ गेस्ट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ फीचर्स अभी नहीं दिखेगा क्योंकि ये सारे चीज़ पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को साइड पे जो थ्री लाइंस दिख रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास पूरा जो सेटिंग्स है वो ओपन हो जाएगा। जहाँ पे दोस्तों अगर आप यहाँ पे कंट्रोल्स पे देखोगे तो आप लोगों के पास यहाँ पे ऑटो फायर एंड मैनुअल फायर दोनों का ऑप्शन है। मैं तो ऑटो फायर ऑन करके खेल रहा हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रहा है खेलने में। उसके साथ दोस्तों डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन, आप लोगों को डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन आप लोगों को ऑफ करना है या ऑन करना है वो उसके हिसाब से कर लेना। यहाँ पे दोस्तों आप ग्राफिक्स पे जाओगे तो आप ग्राफिक्स का क्वालिटी जो है उसको चेंज कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई पे। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोग फील्ड ऑफ व्यू को भी मतलब इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों फ्रेम रेट को आप हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो, मीडियम, एंटी एलियसिंग, शैडोज, पोस्ट प्रोसेस, सारे चीज़ को आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। इवन दोस्तों यहाँ पे ऑडियो का भी ऑप्शन है, जहाँ पे आप गेम प्ले का जो ऑडियो है या UI का जो ऑडियो है, एम्बियंट ऑडियो, सारे चीज़ को आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। एंड सेंसिटिविटी का बात करें तो यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी जो है, इसको एड सेंसिटिविटी, स्कोप सेंसिटिविटी, सारे चीज़ को आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे ऑल मोड्स का अगर मैं बात करूँ इस गेम के अंदर, तो आप लोगों के सामने
चार मोड्स अभी देखने को मिल रहा है। एक है हाइस्ट मोड, दूसरा है प्लेयर वर्सेस एआई, मतलब यहाँ पे जनरली जो अभी तो उतना ज़्यादा लोग नहीं आए इसके अंदर, अभी बस 10K डाउनलोड्स हुआ है इसका। तो इसके अंदर आप लोगों को बॉट्स मिला गया जिस बॉट्स के साथ आप खेल सकते हो। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे ब्रॉल्स का भी ऑप्शन है एंड गैंग वॉर का भी ऑप्शन है। तो इसमें से आप जो भी आप गेम खेलना चाहोगे आप अपने हिसाब से गेम खेल सकते हो। चलो मैं सीधा चलता हूँ प्ले के अंदर। यहाँ पे आप लोगों को फाइंड मैच करना है। यहाँ पे आप एआई के साथ अभी खेल रहे हो, आपके एज अ गेस्ट जो मैं खेल रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास अभी बस नॉर्मली जो है सिर्फ बॉट्स आएगा, उस बॉट्स के साथ मेरे को खेलना है। मैं बस एज ए नॉर्मल आप लोगों को दिखाने के लिए कि इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो कितना अच्छा है। चलो मैं एक बार थोड़ा इसका जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो जो ये गैंग वॉर है तो यहाँ पे 7 मिनट का गेम है, आपको खेलना है। यहाँ पे आप ट्रेसर साइड किक पे भी या लोडर पे भी कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गेम है वो स्टार्ट होने वाला है एंड उसके साथ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कि मैंने ऑटो फायर को ऑन करके रखा है। तो ऑब्वियसली इसको अभी मैं चेंज नहीं करूँगा, इसको मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हो कि दोस्तों ये जो ग्राफिक्स है ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप यहाँ पे ये जो दौड़ने का सिंबल इसको आप ऊपर करके लॉक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑल टाइम ये रनिंग रहेगा। आपको पूरा टाइम उसको रनिंग के लिए प्रेस करके रखने का ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ही हाथ से कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं यहाँ पे ऑटो फायर पे चल रहा है ये, और ये जो है बहुत ही अच्छा जो मेरे को ग्राफिक्स है वो लगा। और ऑब्वियसली ग्राफिक्स पे इम्प्रूवमेंट का तो ज़रूरत है, बट मेरे हिसाब से अगर इन फ्यूचर आप लोग इस गेम को सपोर्ट करोगे तो इसका जो ग्राफिक्स है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों COD, फ्री फायर वगैरह अगर आप खेलते हो तो ऑब्वियसली एज ए इंडियन गेम आप इसको सपोर्ट कर सकते हो। और आप लोग जैसे जैसे सपोर्ट करोगे अर्ली एक्सेस पे जब डेवलपर इसको देखेगा उस हिसाब से आप लोगों के फीडबैक के ऊपर बेस करके ये जो गेम है इस गेम के अंदर आप लोगों का जो डेवलपमेंट है वो दिखाया जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अगर इस इंडियन गेम को सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये जो गेम है ये पबजी को भी पीछे फेंक सकता है। बट हाँ दोस्तों यहाँ पे एक ही बात है कि पबजी पे आप लोग 100 लोगों के साथ एक साथ खेल सकते हो, बट यहाँ पे आपको 6 vs 6 या 5 vs 5 पे खेलना पड़ेगा। बट मेरे हिसाब से मेरे को ग्राफिक्स काफ़ी इंप्रेसिव लगा एंड ऑब्वियसली जब टाइम बढ़ता रहेगा जितना अपडेट होते रहेगा ग्राफिक्स जो है उस हिसाब से ये ग्राफिक्स चेंज होते रहेगा। तो देखते हैं दोस्तों, मेरा तो उम्मीद है इस गेम को लेके। इवन दोस्तों 4G भी आने वाला है इस मंथ के एंड पे या अर्ली नवंबर पे 4G आने वाला है, तो देखते हैं अब क्या होता है। बट पबजी का भी आने का बात चल रहा है, तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये जो गेम है इसका ग्राफिक्स आप लोगों को अच्छा लगा। अगर आप लोगों को ये गेम खेलना है तो आप लोग आराम से प्ले स्टोर पर जाके इसको जो है डाउनलोड वगैरह करके इंस्टॉल करके खेल सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा ये जो गेम प्ले है ये गेम प्ले आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। और आप लोग में से अगर किसी ने भी इस गेम को खेल रहे हो तो प्लीज़ वो भी मेरे को कमेंट करके बताना। देखता हूँ कि आप लोगों में से कितने सारे लोगों का कमेंट आता है और कितने सारे लोग इसको खेल रहे हो। तो चलो दोस्तों ऑब्वियसली आप लोगों का फीडबैक का मैं वेट करूँगा एंड जो भी फीडबैक होगा ऑब्वियसली वो फीडबैक मेरे को मेरे वीडियो के नीचे देने के साथ साथ आप लोग जो गेम है प्ले स्टोर पे उसके भी फीडबैक सेक्शन पे दे देना। तो चलो आप लोगों का कमेंट का मैं वेट करता हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा ये जो मेड इन इंडिया गेम है रोगेस्ट, एक गेम आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। ग्राफिक्स तो मेरे को एकदम टॉप नॉच लगा। मेरे को तो लगता है कि और जितना टाइम जाएगा इसका ग्राफिक्स और बेहतर होते रहेगा, आप लोगों को बहुत सारा अपडेट इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। अभी तो खैर ये बीटा वर्जन पे इसलिए बॉट वगैरह आप लोगों को मिल रहा है, ज्यादा यूजर नहीं है। फिर भी आप लोगों ने देखा कि इसके 10K प्लस डाउनलोड हो चुका है, मतलब 10,000 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो आप अगर थोड़ा देर वेट करते हो तो आपको कभी कभी जो है मतलब जो इंसान है जो खेल रहा है ऑरिजिनली बॉट नहीं नॉर्मल इंसान जो उसको भी मतलब प्लेयर भी आप पा सकते हो। तो मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट होगा कि अब से इस इंडियन गेम को सपोर्ट करो और काफी जल्दी टाइम में मतलब इस महीने के एंड में नहीं तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में 4G हम लोगों के सामने आ जाएगा। इवन पबजी का भी रिटर्न करने का बात चल रहा है, तो काफी सारे गेम है अब आप लोगों के ऊपर है। आप लोग 4G को सपोर्ट करोगे या रोगेस्ट को सपोर्ट करोगे या आप लोग पबजी को सपोर्ट करोगे। तो चलो खैर दोस्तों आप लोगों का क्या राय है मेरे को कमेंट करके बताना, और आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर से जरूर दोस्तों मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना। और एक चीज बताना चाहूंगा, इनमें हम लोग के चैनल पर गिव अवे चल रहा है, अगर आप लोग अभी
तक गिवअवे पे पार्टिसिपेट नहीं किए हो तो गिवअवे वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर आई बटन पे मिल जाएगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देखो, उस पे पार्टिसिपेट करो। काफी सिंपल है पार्टिसिपेशन प्रोसेस, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग उस पे सपोर्ट करोगे। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो की तरीके खत्म करते, उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।